नमस्ते सभी को। जो पहले का जो डेवलपमेंट हुआ था, हमने पहला जो वीडियो में पढ़ा था, उस इससे पहले जो वीडियो में पढ़ा था, तो इस इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स को पूरा इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ किया जाता था, तो उससे क्या होता था, पॉल्यूशंस हो गया, ओके, ग्लोबल बहुत सारा ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस होने लगा, ग्लोबल वार्मिंग होने लगा, ओके, ओजोन लेयर डिप्लेशन होने लगा, और फिर एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस होने लगा, लैंड डिग्रेडेशंस होने लगा। तो लोग पूरा देशों का, यूनाइटेड नेशंस का सबको आपको मालूम है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर काम करते थे। तो यूनाइटेड नेशन ने मोर देन 100 कंट्रीज़ को बुलाया, साथ में नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया। तो कब बुलाया और किस लिए बुलाया? इसलिए बुलाया कि ये जो पोल्यूशन इंडस्ट्री से डेवलपमेंट के लिए हम जो पोल्यूशन करें उसको हम चेक कर सके, उसको हम कंट्रोल कर सके। तो हमारा जो पहला डेवलपमेंट था, पहला जो हम बोलते थे ना डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो अभी ये डेवलपमेंट का टर्म चेंज हो गया। इस डेवलपमेंट का टर्म हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? तो कोई तो ऑर्गेनाइजेशन होगा जो सभी कंट्री को बुलाया है। तो हमारा तो वर्ल्ड में सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, वो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो उन लोगों ने बुलाया, उन लोगों ने बुलाया, कहाँ बुलाया, किस लिए बुलाया, इसके बारे में ये है। तो ये है रियो दी जेनेरियो, ये देखिए मैंने ये नोट लिखा है, आप भी लिख सकते हो ये देख देख कर। रियो दी जनेरियो 8 सबमिट 1992 कहाँ हुआ था? जून 1992 में ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील का एक सिटी है रियो दी जेनेरियो। रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील का कैपिटल नहीं है, ब्राज़ील का कैपिटल है ब्रेसिलिया। ओके, आपको याद रखना है ये ब्राज़ील का कैपिटल नहीं है, ब्राज़ील का बड़ा सा एक सिटी है। ओके, तो वहाँ पर असेंबल कितने कंट्रीज़ हुए? मोर देन 100 कंट्रीज़। एक्चुअली वहाँ पर उस वक्त 105 कंट्रीज़ असेंबल हुए थे, उसके साथ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ, बहुत सारा एनजीओस उस मीटिंग में थे। ओके, उस असेंबली में थे। तो असेंबली जो मीटिंग होता है कि बुलाया गया था, यूनाइटेड नेशन ने बुलाया गया था, तो उसका नाम था, उस असेंबली का नाम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट उस टाइटल था उस मीटिंग का। तो उस मीटिंग को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो कोई मीटिंग होता था तो प्रेसिडेंट था, कोई मेंबर है या प्रेसिडेंट है, वो खड़ा होकर बोलता था, आज हम इस मीटिंग में सबको बुलाया है। पहले एड्रेस करते हैं ना, किस लिए इस मीटिंग को बुलाया गया है, तो एड्रेस करते हैं, तो उस एड्रेस के बारे में यहाँ पर लिखा है, द समिट वॉज कन्वेंटेड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स। तो उन्होंने बोला खड़ा होकर, आज हम इस मीटिंग को आप लोगों को बुलाया गया है इसलिए कि हम कुछ अर्जेंट प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। ये प्रॉब्लम कौन सा है? ये जो प्रॉब्लम है एड्रेसिंग में, जो अर्जेंट प्रॉब्लम का नाम लिया है, वो दो प्रॉब्लम है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और एक तरफ तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को करना है, दूसरी तरफ हमारा इकोनॉमिक भी डेवलप होना है, तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट ग्लोबल लेवल, इस दोनों के बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो मीटिंग का एड्रेसिंग स्पीच में इस दोनों के बारे में बात किया गया था, एड्रेसिंग में बोला गया था। एड्रेसिंग के बाद मीटिंग का जो जो कंट्रीज गए थे उन लोगों को क्या करना था, सिग्नेचर करना था। कोई भी मीटिंग में आप जाते हो तो आपका एक कॉपी दिया जाता है, कॉपी में लिखा होता है ना डिक्लारेशंस की मीटिंग में ये सब डिस्कशन किया गया था, डिक्लारेशन किया था। तो उस डिक्लारेशन में क्या क्या दिया था देखिए, उस डिक्लारेशन में द असेंबल लीडर्स साइन द डिक्लारेशन, एक डिक्लारेशन था उसमें साइन करना था। तो ग्लोबल साइन में बोला था ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज उसके बारे में एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में डिक्लारेशन में बोला गया था, और उसमें जो बहुत सारा जो लीडर्स थे, रिप्रेजेंटेटिव लीडर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, उन लोगों को साइन करना ज़रूरी था। तो उन लोगों ने साइन कर दिया। ओके, और नीचे उन लोगों ने साइन कर दिया। तो डिक्लारेशन याद रखना, देखो पहले एड्रेस, एड्रेस में क्या बोला गया वो दो पॉइंट आपको याद रखना है, फिर डिक्लारेशन जहाँ पर साइन करते हैं उस डिक्लारेशन में दो पॉइंट दिया है वो दोनों याद करना है, फिर डिस्कशन हुआ कैसे हम एनवायरनमेंट को
हमारा डेवलपमेंट करेंगे। ओके, क्या डेवलपमेंट करना है, डेवलपमेंट का टर्म चेंज हो गया, अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करेंगे 21st सेंचुरी तक। ओके, तो हम क्या करना चाहिए, तो लोगों ने बहुत डिस्कशन किया, कोई लोगों ने बोला हम प्लांटेशन करेंगे, और बहुत लोगों ने ये बोला कि वर्ल्ड में जो फॉरेस्ट है उसको हम बचा कर रखें। ओके, तो हम काम करते हैं जितना फॉरेस्ट अभी जिंदा है उसको हम बचा कर रखें और फॉरेस्ट को एनलार्ज करें, फॉरेस्ट प्लांटेशन करें, जितना फॉरेस्ट है उसको बचा कर रखें। तो एक पॉलिसी लिया गया, एंडोर्स किया गया, तो कंक्लूशन में क्या किया, एंडोर्स किया गया, एंडोर्स किया क्या द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल। तो एंडोर्स किससे किया गया, पहला एंडोर्स किया गया था द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल के मुताबिक ईच एंड एवरी कंट्री, ईच एंड एवरी नेशन शुड हैव 33% फॉरेस्ट कवर। तो सभी कंट्री में 33% फॉरेस्ट कवर होना जरूरी है, इस क्लियर। तो इसके बारे में उन लोगों ने बोला, तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन होगा, फॉरेस्ट 33% होगा, तो बहुत सारे प्रिंसिपल है फॉरेस्ट का। ओके, नेक्स्ट उन लोगों ने एडॉप्टेड किया, क्या एडॉप्टेड किया, एजेंडा 21। एजेंडा 20 के 21 के अंदर बहुत सारा चीज़ें है, मतलब वो लोग जैसे एजेंडा 21 के अंदर बहुत सारा चीज़ें है, एनवायरमेंटल डैमेज को कॉम्बेट करना, पॉवर्टी को कॉम्बेट करना, डिजीज़ को कंट्रोल करना, ये सारे चीज़ें हैं। तो एजेंडा 21 उन लोगों ने एडॉप्ट किया, एंडोर्स, फिर से देखो वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रहा हूँ, एंडोर्स किया, क्या एंडोर्स किया द ग्लोबल फॉरेस्ट पॉलिसी, और एडॉप्टेड क्या किया द एजेंडा 21, किस लिए, फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी डेवलपमेंट का टर्म चेंज हो गया, अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना है इन 21st सेंचुरी, 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना है। तो एजेंडा 21 क्या है, देखिए जल्दी हम जाते हैं एजेंडा 21 के बारे में बात करते हैं। एजेंडा 21 द डिक्लारेशन साइन बाय वर्ल्ड लीडर्स 1992 एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED एट रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में। ओके, तो एजेंडा 21 का एम क्या था, एजेंडा 21 का इनका अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप जानते हो विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, फिर आपको क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है। नेक्स्ट में देखो एजेंडा में क्या हुआ था, एजेंडा में एनकाउंटर करना था, क्या कॉम्बेट करना था, कॉम्बेट मतलब एनकाउंटर करना था एनवायरमेंटल डैमेज, एनवायरमेंटल डैमेज नहीं होने देना, पॉवर्टी, पॉवर्टी किस लिए हो रहा है, पॉवर्टी और नहीं होने देना, डिजीज़ को कंट्रोल करना। तो एनवायरमेंटल डैमेज ये एजेंडा कॉम्बेट किया था, एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज़, कैसे करेंगे थ्रू ग्लोबल कॉरपोरेशंस, एक दूसरे का कॉरपोरेशन थ्रू ग्लोबल कॉरपोरेशंस के द्वारा एनवायरमेंटल डैमेज को कंट्रोल करना है, पॉवर्टी को कंट्रोल करना है, डिजीज़ को कंट्रोल करना है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स लोकल एजेंडा 21। इसमें बोला अपना अपना कंट्री अपना अपना एजेंडा बनाएगा और एजेंडा 21 का मुताबिक अपना अपना कंट्री का पॉलिसी बनेगा। एजेंडा 21 का मुताबिक क्या है, फिर से देखो ये सीख लो, एनवायरमेंटल डैमेज को कंट्रोल करना है, पॉवर्टी को कंट्रोल करना है, डिजीज को कंट्रोल करना है, क्लियर। तो ये कौन करेगा, अपना अपना कंट्री अपना अपना खुद लोकल एजेंडा बनाएगा 21, क्लियर। इंडिया का अपना लोकल एजेंडा होगा, पाकिस्तान का अपना, बांग्लादेश का अपना, ऐसे सब का अपना अपना कंट्री का अपना अपना एजेंडा होगा। तो एजेंडा 21, उससे इसके बाद हम थोड़ा सा जाते हैं, आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, ये देखिए ब्राज़ील, रियो डी जेनेरियो कहाँ है, ब्राज़ील। तो ब्राज़ील में देखिए यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुआ था रियो डी, तो ब्राज़ील साउथ अमेरिका में है, तो ब्राज़ील का जो कैपिटल है वहाँ पर नहीं था, ब्राज़ील का कैपिटल ब्रेसिलिया था। ओके, ब्रेसिलिया है, वहाँ पर नहीं है, कहाँ पर, अटलांटिक ओशन के पास बहुत अच्छा एक सिटी है, उस सिटी का नाम है रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में क्या हुआ था, आर्ट समिट 92 हुआ था, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं वो जो सिटी है देखने में कैसा है, ये देखिए सिटी इतना प्यारा सिटी है, वहाँ पर उन लोगों ने कॉन्फ्रेंस किया था ये सिटी में, क्लियर। ये स्टैचू है, सॉरी स्टैचू क्रिस्ट का, ओके, क्रिस्ट द रेडीमेड स्टैचू कहा जाता है, क्रिस्ट द रेडीमेड, ये एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर देखिए थोड़ा सा पिक्चर देखने से आपको मालूम होगा, ये देखिए पिक्चर, ये कॉन्फ्रेंस हो रहा था, क्लियर। कॉन्फ्रेंस कब हुआ, कैसे हुआ, आपको पूरा टॉपिक
अच्छी तरह से दिमाग में बैठेगा, यूनाइटेड एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ये हुआ था रियो दी जनेरियो में। ओके, कितने दिन? 12 दिन, 3 to 14 जून में, जून में हुआ था 1992 में। क्लियर? तो आपको पूरा याद रहेगा। कितने कंट्रीज आए थे? मोर देन 100 कंट्रीज विथ एनजीओस। तो बुक में एनजीओ नहीं दिया गया, तो आप बोलेंगे मोर देन 100 कंट्री। ये देखिए प्रेसिडेंट है, मुझे मालूम नहीं ये, आई एम नॉट श्योर, बट ऐसे उन लोगों ने एड्रेस करते हैं, एड्रेस किया था। ओके, एड्रेस में क्या क्या बोला था, फिर से मैं बोलता हूँ, एड्रेस में क्या क्या बोला था, बोला था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में एड्रेस में बोला था, फिर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बोला था। ओके, फिर एड्रेस के बाद उन लोगों ने क्या किया, डिक्लारेशन आया था, ये देखो डिक्लारेशंस। तो डिक्लारेशन में बोला था ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, डिक्लारेशन में लिखा हुआ था ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, और क्या लिखा था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इस डिक्लारेशन को सभी कंट्री को क्या करना पड़ता था, साइन करना पड़ता था। डिक्लारेशन में आप देखिए एक लीडर साइन कर रहा है, तो यहाँ पर आप साइन करो, मैंने साइन कर दिया। ओके, तो यहाँ पर साइन करते हैं। डिक्लारेशन में दो चीज़ बोला गया था, ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फिर उन लोगों ने कंक्लूशन में आया, ये देखिए कंक्लूशन में ये लोग आ गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, ओके 21st सेंचुरी तक। और कंक्लूशन में क्या बोला था, एंडोर्स किया था ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल को, एंडोर्स किया था एजेंडा 21 को, एडॉप्ट किया था, एडॉप्ट एजेंडा 21 और एंडोर्स किया था ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल को। क्लियर? तो हम जल्दी जाते हैं नेक्स्ट में, थोड़ा सा पिक्चर देखोगे तो याद आएगा एजेंडा 21 का क्या है। एजेंडा 21 देखिए क्या क्या कॉम्बेट करना है, एनवायरमेंटल डैमेज को कॉम्बेट करना है, पॉवर्टी को कॉम्बेट करना है, डिजीज़ को कॉम्बेट करना है, ये एजेंडा 21 का अंडर में है। एजेंडा 21 का अंडर में देखो एनवायरमेंटल डैमेज जो होता है उसको कंट्रोल करना है, पॉवर्टी को कंट्रोल करना है, ये तो कोरोना वायरस निकल गया, अच्छा डैमेज मतलब डिजीज़ को कंट्रोल करना है, तो ये कॉम्बेट एजेंडा 21 का कॉम्बेट करना है। और एजेंडा 21 का क्या है, सबसे ज़्यादा एजेंडा 21 में एक चीज़ बोला गया है कि एजेंडा 21 का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स लोकल एजेंडा 21। इज क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपका मेरा ये चैनल अच्छा लगा और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप बोल दीजिएगा, क्वेश्चन है तो हम डिस्कस करेंगे। तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और बेल आइकन भी दबा दीजिए, अगर ये टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक कीजिए प्लीज़, नोट लिखिए, नोट लिखने से अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।